VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। सोपोर में रोमांचकारी समापन के साथ में नूरगाह फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो चुका है। कश्मीर पैंथर्स ने कश्मीर एवेजेंस के खिलाफ रोमांचक मैच में 2-1 से जीत हासिल कर रही है। सोपोर के उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर के स्पोर्ट्स ग्राउंड नूरगाह में यहां पर नूरगाह फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण गुरुवार को एक रोमांचक समापन के साथ में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में फुटबॉल प्रेमियों की एक बड़ी भीड़ भी आकर्षण का केंद्र रही। यहां पर यह भीड़ पहुंची थी जिसमें समुदाय के भीतर खेल की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। फाइनल मुकाबला जो था वह कांटे का भी रहा। नूरगाह फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन है, बहुत अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें जोर से खेल रही हैं और उम्मीद है कि गेम के साथ साथ लोगों में इस गेम की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी और हमारे नौजवान डिसिप्लिन होंगे और ड्रग्स और बाकी चीज़ों से दूर रहेंगे। तकरीबन सभी ग्राउंड्स अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये ग्राउंड भी ठीक होगा। आपकी खेलते रहिए, ड्रग्स से दूर रहिए और अपनी कौम की तामीर तरक्की में हाथ। अभी आने वाले वक्त में यहाँ एक इको पार्क निंगली में डेवलप हो रहा है जो 5 करोड़ की लागत से बन रहा है। उसके साथ साथ और भी कुछ टूरिज्म रिलेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले साल 2 साल में अपना काम पे शुरू। आहिस्ता आहिस्ता JJM में जल जीवन मिशन की स्कीम्स है वो इस साल या अगले साल में पूरी हो जाएंगी और लोगों को पीने का पानी की सहूलियत भी मिलेगी। वो ऑलरेडी सैंक्शन है, इंशाल्लाह बन जाएंगे।